दोस्तों वीडियो चलो को भाई पूरा देखा देखिएगा और भाई जितना आपने हो सके उतना शेयर कीजिएगा। पिक्चर चालू करो बे। अकेला सब पर ही भारी है, अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। बात तो सही है, एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है, एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए, एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। वाह मोदी जी वाह वाह। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है तो। और ये जो खटाखट की बात करते हैं रोज, खटाखट खटाखट खटाखट, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। सही पकड़े हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट भावनाओं में भाई रुको जरा, सबर करो। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक के ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। यह हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं सब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? केला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए और आप लोग मिलके भी सारे नहीं ले आए, लेकिन कहते कि हम ही जीते हैं। 40 सरकार उनकी चल रही है, 40 पार्टियों का भानमती का कुनबा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं अकेले ले आए। दो सौ चालीस तो अकेले आए बीजेपी, बेशक लेके आए हो क्या? सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? यूपी में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। दुर्भाग्य ये है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है और उस अहंकार की वजह से देश पिस रहा है। बात तो सही है। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां CBI और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या CBI कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या CBI कभी भी NTA के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि उसने ऐसा ऐसा किया है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कलंकित होके आया हो, 14 तारीख को नतीजा आना था, 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट इनके विपक्ष में आते हुए नजर आए तो नीट का रिजल्ट 4 तारीख को देकर भाग गए। CBI लिखेगी इस बात को कि NTA चेयरमैन ने ऐसा ऐसा किया है। NTA चेयरमैन को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ये चिमटे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोल देगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में BJP RSS के जितनी धांधलियां इनसे कराई होंगी वो सारी की सारी उगल देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज हम फिर डिबेट वीडियो लेकर आए हैं। आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए टच नहीं कर सकते, ये जुमलेबाजी करके आप तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन NTA के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था जरा बता दीजिए? नहीं थे। अब थे कि नहीं बोलिए आप, मैं फिर कहूंगा, थे वो नहीं थे, मैं फिर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड थे नहीं थे। अब वापस आते बोलिए आप, आपने कहा, अब सुनिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं तो सर, आज का विषय एक मिनट प्रभु, आज का विषय संसद था, संसद के अंदर क्या हो रहा है मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है, अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया है कि वो जमीन कब्जा के बैठा है, एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है, एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया, एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए, एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया, एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और
तो और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट खटाखट खटाखट, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक के ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। क्या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं सब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। गाइस आज की डिबेट में तो आलोक शर्मा ने एक अकेले आदमी को पूरा उधेड़ के रख दिया। भाई साहब ने कितने विकास करा रखे हैं भारत में, देखो जरा सुधांशु का पूरा मुंह बंद हो गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो।